ये एक और जगह, अब यहाँ पे जाल डाला जा रहा है। 50 का सालन, 15 की रोटी। ये लें बच्चों ने, ये लीजिए भाई, मछली पकड़ने का बंदोबस्त पूरा हो गया है। यहाँ पे स्टैम्प पेपर भी दस्तियाब है भाई, कानूनी मशवरे भी मिल सकते हैं। मैं ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम मौजूद हैं इस वक्त अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन पर, वेस्ट जोन है ये, सामने CPLC का ऑफिस है और ये है पावर हाउस, यानी वाटर पंप का पावर हाउस। ये पंपिंग स्टेशन है, पावर हाउस की बिल्डिंग है। ये सामने मशीनें लगी हुई हैं हैवी ड्यूटी। आगे दिखाते हैं हम आपको जाके कि वहाँ क्या है। बच्चे काफ़ी जमा हैं, ये लीजिए पानी का तालाब, उसके अंदर वॉल लगे हुए हैं और ये बच्चे यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। क्या कर रहे हो, शिकार कर रहे हो? करो ना ज़रा मछली दिखाओ, पकड़ी मछली दिखाओ ना थैली में। तो ये मछली का शिकार कर रहे हैं बच्चे, यहाँ आके करो ना, यहाँ आके करो ना, जैसे भी कर रहे थे यहाँ पे। देखें ये बच्चे मछली का शिकार कर रहे हैं, करो फेंको, कैसे फेंकते हो? अंकल तो वीडियो बना रहा है भाई। फेंको इसमें बेटा, कैसे फेंकते हो थैली को? ये देखें ये जाल है ये, और ये इसके अंदर पत्थर रखा हुआ। अब ये मछली का शिकार करेंगे यहाँ बच्चे। ये देखिए ये फेंक रहे हैं और ये रोटी का टुकड़ा रख रहे हैं। दिखाओ ज़रा रोटी का टुकड़ा तो दिखाओ, एक मिनट। ये देखें आप, ये रोटी का टुकड़ा है। अब ये क्या रखोगे इसमें, जाल के अंदर, इससे मछली आ जाएगी। ये लीजिए भाई, मछली पकड़ने का बंदोबस्त पूरा हो गया है। चलो भाई, अब मछली पकड़ने की तैयारी कर ली गई है और ये जाल डाल दिया के अंदर। छोटी मछलियाँ निकल जाएंगी जाल। अब ये जाल डाल दिया गया है, जैसी कोई मछली आएगी उसको पकड़ लिया जाएगा मछली को। ये पंपिंग स्टेशन, ये सब पानी यहाँ पे निकल रहा है, ये पाइपलाइन, और मछली नहीं आई। और अब बच्चे ने अपनी जगह बदल दी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये लें बच्चों ने जगह चेंज कर ली अब अपनी, ये मशीनें लगी हुई हैं। और ये देखें ये इतना बड़ा पूल, ये है पूल। और अब बच्चे यहाँ पे तलाश कर रहे हैं मछली। यहाँ से आपको मशीनें सारी क्लियर नज़र आ रही हैं और यहाँ से भी अब नाउम्मीद होकर बच्चे दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये टैंक, पीने के पानी का टैंक।
जो कि बगैर ढक्कन के। चलें व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, मछली मिली नहीं मिली? नहीं मिली मछली। अब क्या करोगे, यहाँ ढूंढोगे? चलो भाई यहाँ ढूंढते हैं। ये एक और जगह, अब यहाँ पे जाल डाला जा रहा है मछली पकड़ने के लिए। खासी नागुफ्ताबा हालत है ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन की। मुकम्मल तौर पे ये खुला हुआ है, ओपन है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। जानवर भी यहाँ पर आते हैं और इंसान भी। सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत ख़राब है। यहीं पे मोटरसाइकिल मैकेनिक भी बैठे हुए हैं। चलें व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं हम और इस चौरंगी का मज़ीद आपको अहवाल दिखाते हैं। चलें अब हम चौरंगी के गिर्द आपको दिखाते हैं घूम के। ये ठेला लगा हुआ है, गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, रिक्शे पार्क हुए हुए हैं और ये एंट्री गेट इसका हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है एंट्री गेट इसका, पंपिंग स्टेशन का एंट्री गेट। और ये ठेले वगैरह, यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ। खजूर के दरख्त भी हैं यहाँ पर। ये चावल का स्टॉल है। क्या बेच रहे हैं भाईजान जी? रोटी सलाद जी। रोटी सलाद है जी? कितने की है प्लेट? भाई 50 रुपए की है रोटी है। कितनी रोटी है उसके साथ? रोटी नहीं है, रोटी कितनी रोटी रोटी के साथ? अच्छा, 15 रोटी है, 15 रुपए 50 का सालन है। 50 का सालन, 15 की रोटी तो 50 रुपये का सालन, 15 की रोटी यानी 65 रुपये में खाया जा सकता है। और ये पंपिंग स्टेशन की एक और साइड, ये सामने देख सकते हैं आप नॉर्थ कराची पंपिंग स्टेशन का बिजली का सिस्टम लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिक का। और ये सब कचरा कुंडी बनी हुई है। आगे मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद आपको बताते हैं। ये जनरेटर सिस्टम है इसका, कचरा फेंक दिया गया है, झंडे लगे हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तरबूज का शरबत। कुछ स्टॉल बंद हैं, कुछ खुले हुए हैं, टायर पंचर वाले की शॉप, ब्लॉक्स, गर्ड्स, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको। इस छोटी सी चौरंगी पे हर किस्म की सहूलियात मैसर हैं। पेशाब भी आप यहीं पे कर सकते हैं, इसके लिए भी जगह मौजूद है। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप। तो ये थी चौरंगी की एक छोटी सी अपडेट हमने। और यहाँ पे स्टैम्प पेपर भी दस्तियाब है भाई, कानूनी मशवरे भी मिल सकते हैं। महबूब हसन खान साहब एडवोकेट सिटी कोर्ट, ये सब काम कर रहे हैं। और इस जगह पर, और ये पीछे आपको पंपिंग स्टेशन की मशीनें नज़र आ रही हैं, इसके बराबर में स्टॉल खाली है और ये मुकम्मल तौर पे बुरी हालत है यहाँ पे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जिसको देने के लिए हम यहाँ आए थे। यहाँ ये देखें आप, ये पंचर और गाड़ी के मैकेनिक भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ भी मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।
ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।